दिल्ली में पानी और साफ सफाई की समस्या को लेकर नेशनल इंडिया न्यूज की टीम हर विधानसभा का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 55A में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ मिला। शालीमार बाग के पार्क शीश महल में जाने के एकमात्र रास्ते में भी कूड़े का ढेर देखने को मिला। बताते हैं कि हैदरपुर के निवासी इसी रास्ते का इस्तेमाल शीश महल पार्क में जाने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इलाके में बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। जब हमने यहाँ की महिलाओं से पानी के बारे में पूछा तो महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उनका कहना था कि यहाँ पर पानी बहुत गंदा आता है और समय पर नहीं आता। हम लोगों को पानी भरने के लिए अपनी बस्ती से बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पर आवारा किस्म के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और बदतमीजी तक करते हैं। महिलाओं का कहना यह भी था कि आम आदमी पार्टी ने जो पानी फ्री कर रखा है वह पानी हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि पानी जो आता है वह साफ नहीं आता, बहुत गंदा आता है, जिसके कारण हमें रोज़ पानी खरीदना पड़ता है, जिससे कि हमारा महीने का बजट बिगड़ जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं शालीमार बाग विधानसभा वार्ड नंबर 55A के अंदर और आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये लोगों के आने का रास्ता है और अगर हम इधर से सीधे निकलें तो सामने जो पार्क देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक फेमस नाम है इसका, शीश महल, और ये रास्ता यहीं से निकल रहा है और जितने भी लोग शाम को आने वाले जाने वाले होते हैं घूमने वाले या मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने वाले होते हैं वो सब इसी रास्ते का यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए आप रास्ते के साथ देखिए इसमें कूड़ा कितना है, गंद कितना है। अब जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते होंगे वो यहीं की बदबू सूंघते हुए जाते होंगे और पर्यावरण को यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। पहले यहाँ पर कहते हैं कि जो हैदरपुर वार्ड है ये, इसमें निगम पार्षद सुजीत ठाकुर हुआ करते थे और अब जो हैं आम आदमी पार्टी से जलज चौधरी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जब पहले निगम पार्षद थे उस टाइम यहाँ की जो साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ पर जैसी भी आया करती थी हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये सिर्फ कूड़े का ढेर है। अब कूड़े का ढेर है यहाँ पे, लेकिन अब एक साल होने को है निगम को बदले हुए, जबकि पहले आम आदमी पार्टी कहती थी अगर हमारे पास निगम आएगा तो हम दिल्ली को और ज़्यादा स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये है कि निगम पार्षद चेंज होने के बाद यहाँ पर और ज़्यादा दुर्दशा हो गई है। अभी हम आपको दिखाएंगे, अंदर की हालत दिखाएंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ। जैसा अभी हमने आपको दिखाया था कि हम वार्ड नंबर 55A के अंदर हैं और वो जो हमने दिखाया वो दिखाया सारा कूड़ा, और अब हम आए यहाँ की जो सेवा बस्ती उसके अंदर। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है। आप बताएं यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है? अरे भैया बहुत गंदी व्यवस्था है, पानी मिलता ही नहीं है, हैंडपंप चला चला के लोगों के बाजू हल पड़ जाते हैं, अब वो भी नहीं चलते हैं, वो भी नहीं चलते हैं, कैसे और कहाँ सड़क पार से पानी आता है, सड़क के उस पार से पानी भर भर के लाते हैं, अब हर समय तो भर के लाएंगे नहीं, 3 बजे रात में उठो, 2:30 बजे रात में उठो, हाँ कोई भी आदमी मिल जाए बदतमीज, औरतों को कुछ वे खींच ले, ये इतनी बड़ी लड़कियाँ पानी भरने जाती हैं, व्यवस्था है, व्यवस्था इतनी ख़राब है कि कहाँ नहीं जा सकता है, ये समझ लो। भैया पीने का पानी भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, मतलब नलके भी पानी नहीं दे रहे हैंगे, दिक्कत तो पानी की है सबसे बड़ी। अब हम लोग लाते हैं भर के नलका से ला के नहाने धोने का कर लेते हैं, पीने का बाहर से ले आते हैं, वो भी सही नहीं है, मतलब गंदगी ज़्यादा है और सफाई करने वाले भी आते हैं तो सही से नहीं सफाई करते और ऐसे करके जाते हैं कि घरों में जाता है कीड़ा वीड़ा और इतनी सफाई नहीं रहती यहाँ पर। मतलब कि पिछले एक साल के अंदर यहाँ कभी जो निगम पार्षद नए बने वो आए कभी नहीं? तो आपने कभी उनसे शिकायत करी है क्या? शिकायत करा तो कोई सुनता नहीं, शिकायत करा तो कोई सुनता ही नहीं ना है, हमारी लोगों की बात है। इतनी नाली इधर तो आए भैया देखे है कितनी नाली भरी हुई है, कीड़े घर में घुस घुस जाते हैं हमें, ये पानी पी पी के गंदा पानी तो आदमी बीमार पड़ जाता है, कहीं पेट में दर्द कहीं कुछ ऐसे है। तो पिछले एक साल के अंदर पहले वो कहते थे कि निगम और दिल्ली सरकार जब एक हो जाएगी तो हम सफाई व्यवस्था अच्छी कर देंगे,
तो क्या कोई बदलाव आया उसमें? कुछ भी नहीं आया, इस साफ तो वैसे कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं है। खराबी हो गई, पहले तो कीड़े नहीं थे, अब तो कीड़े घरों में जा रहे हैं। कुछ नहीं, पहले से और परिस्थिति खराब है, चाहे वो निगर पार्षद हो चाहे भैया वो, कोई भी आया नहीं कि पानी की व्यवस्था कर दें, नाली की व्यवस्था कर दें। कीड़े 10-10 दिन 15-15 दिन कूड़ा लगा चले जाते हैं, वो कीड़े जब उसमें पड़ जाते हैं, वो घर में जब जाने लग जाते हैं, तब उनकी कंप्लेंट करो, जब वो कूड़ा उठता, नालियां साफ होती हैं। इतना सीवर का पानी पाइप में आ रहा है, लेटरिन के सीवर का पानी, क्योंकि सीवर के अंदर से पीने वाली पाइप की लाइन गई है। शौचालय की बात करें तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था, शौचालय भी ऐसे ही भर जाता है, गटर भर जाते हैं, बार बहते हैं लोगों के घरों में, वही लेटरिन सारी चप्पलों से घर घर जाती है, क्योंकि जब गटर भर जाता है वहाँ तो बहता है। और शौचालय की भी कोई ऐसी बात, 15 दिन बंद कर देते हैं, अब 15-15, 20-20 दिन औरतें लड़कियाँ कहाँ जाएं, सब सारे शौचालय बंद कर देते हैं, तीन है तीनों ही बंद कर देते हैं यहाँ। अब बताओ कहाँ जाए, अब जंगल में जाए तो वहाँ तो देख रहे हो मर्डर हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो वहाँ जंगल में पार्क में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, कहाँ जाए लेटरिन बाथरूम, बहुत डर लगता है अब तो जब से ये सब हो रहा है, ना पानी की व्यवस्था, ना नाली की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था, सब तरह से यहाँ परेशानी है, कोई चीज़ की कोई गरीब, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में सब कीड़े मकूड़े रह रहे हैं, उन्होंने ये समझ लिया है बस जब चुनाव आते हैं तो वोट लेने के लिए हम इंसान दिखते हैं, बाद में हम कीड़े दिखते हैं, जानवर दिखते हैं कि हम लोग इस बस्ती में, फिर वो आएंगे तो नाक में कपड़ा लगा के आएंगे कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं, और जब वोट